देख के तो यही लगता है जैसे लाश किसी मुर्दाघर से चुराई गई है। आप लोगों के साथ किसी ने मजाक किया है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, रजिया के साथ इतना घिनौना मजाक कौन कर सकता है? यह अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन आप लोगों को सतर्क रहना होगा। आज लाश है, भगवान ना करे कल बम भी हो सकता है। आप लोगों को किसी पे शक? ध्यान रखिएगा, अगर आगे से कोई ऐसी गिफ्ट आए तो मुझे बताइएगा। कुछ नहीं है, पुलिस आ गई ना। गड़े हुए मुर्दे ज्यादा दिन तक छुपे नहीं रह सकते। वो सर्द खून इंसाफ मांग रहा है। वो बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी साजिशों और गुनाहों की सजा मिलेगी रजिया। ये क्या हरकत है, है? जिसने फरहान का हक था वो तुमने इमरान को दे दिया। नहीं अम्मी, मैंने सब कुछ भी नहीं किया है। मुझे नहीं पता ये गिफ्ट इमरान के पास कैसे पहुंचा। अम्मी मैं कसम खाती हूँ मैंने सब कुछ नहीं किया है, मेरा यकीन कीजिए। निखत, दिल तो बहुत चाहता है मैं तुम पे यकीन करूं, पर क्या करूं? आंखों देखा तो नहीं झूठ ला सकती ना। अरे कितनी शर्मिंदगी हुई वहां मुझे जब उस औरत ने इमरान को तुम्हारा शौहर कहा है। आज उसने कहा है, कल ना जाने कौन कौन कहेगा। हाँ देखो, मैं जानती हूं इमरान के लिए तुम्हारे दिल में कुछ है। जो भी है उसे भूल जाओ। तुम्हारा कल इमरान से निकाह होने वाला था, आज वो नजमा का शौहर है। नजमा है उसकी बीवी। इसको ट्यून करो फिर गलत होना। What's wrong with me?
ये गाना गा रहे हैं आप? ओहो छोड़िए, ये तो मुझे भी आता है, मैं गा के सुनाती हूँ। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। मोना मोना मोना, तुम चाहती हो कि पड़ोसियों के सामने भाईजान भाईजान की रेपुटेशन खराब हो जाए? तुम चाहती हो कि लोग ये सोचें कि भाईजान तुम पे जुल्म करते हैं और तुम दिन भर घर पे बैठ के रोती रहती हो? मतलब? मतलब ये कि प्लीज खुदा के लिए तुम गाना मत गाओ। तुम जब गाती हो ऐसा लगता है जैसे तुम रो रही हो। हाय बहुत ही बदतमीज हो तुम तो। बताना जरा मिस्टर खान, इतना बुरा गाती हूँ मैं? इतना बुरा भी इससे बेटर होता है जो तुमने गाया ना, उससे हजार गुना बेटर होता है। तुम तो सुर से ना कोसों दूर हो। तुम जैसे अभी देखो, अभी तुम भोपाल में बैठ के गा रही हो, यहाँ पे भाईजान के घर पे, और तुम्हारे सुर ना इंदौर में घूम रहे हैं कहीं पे। परेशान करना बंद करो, बहुत सुरीला करें। चुप गाना बजाओ। ओह माय गॉड, परेशान मत करो इनॉल भाईजान, अब तक निकाह हुआ नहीं और इतनी तरफदारी है। मैंने सुना तो था कि प्यार अंधा होता है लेकिन प्यार बहरा होता है, पहली बार देख लिया मैंने भाईजान। सीरियसली इसके प्यार में ना बहरे हो गए हो, कानपुर में हड़ताल हो गई आपके। ठीक कह रहा है ना मिस्टर खान, क्योंकि उस दुनिया में गाना तो सिर्फ और सिर्फ हुमैरा मंगेशकर जी को आता है, हम आप कहां गा पाते हैं। देखिए उनका नाम मत लीजिए क्योंकि आजकल बहुत ही सॉलिड वाली लड़ाई चल रही मेरी उनके साथ। क्यों, आप क्या हो गए? कुछ नहीं, कुछ ज्यादा ही आजकल हवा में उड़ रही थी, जमीन पे लाना पड़ेगा उसे। सही बोल रहा, क्योंकि इसके लेवल पे आने के लिए उसे अपना लेवल थोड़ा तो नीचे करना ही पड़ता। मिस्टर खान इतनी स्वीट और इतनी प्यारी लड़की है, और ये यू नो आपका भाई जो कि काफी हद तक आप जैसा है, उसे परेशान करता रहता। क्या परेशान करता रहता, कुछ भी कहती है भाई जन, चार दिन घर पे रुकी नहीं, पता नहीं क्या क्या कह रही है ये। मैं सीरियसली बताता हूँ, मैं उसे कोई परेशान नहीं करता, तंग करता हूँ, हमेशा से करता आया हूँ बचपन से लेके अब तक, पता नहीं क्यों इतना ओवर रिएक्ट करते हैं। ऑन अ सीरियस नोट, जिस दिन मेरी उससे लड़ाई नहीं होती ना, मेरा वो दिन कंप्लीट नहीं होता। वाह, तो मतलब तुम लोग ऑलरेडी शादीशुदा लोगों की तरह लड़ाई करते हो। ऑलरेडी शादी के बाद रूटीन में प्रॉब्लम नहीं होगी? एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है आपका मिस्टर खान? क्या निकाह के बाद मुझसे इतना झगड़ा करने वाले हैं? देखिए मिस फारूकी, निकाह के बाद तो सब झगड़ते हैं, तो हम सब जानते हैं, लेकिन आप जानती हैं मैं कितना सिस्टमैटिक आदमी, तो झगड़ा करने के लिए भी हम एक सही वक्त और सही डेट निकालेंगे ताकि रूटीन इंटरप्ट ना हो, और उस दिन लड़ेंगे। सुपर, सुभान अल्लाह, यानिया सुन रहे हैं आप? झगड़ा भी होगा तो टाइम टेबल के हिसाब से, तो ऐसा है ना, क्योंकि झगड़ा हमारा कैलेंडर और घड़ी देख के होगा, तो तुम भी आ जाना, तुम्हें भी बुला लेंगे। हमारा निकाह कब हो रहा? मेरा निकाह 3 महीने बाद, उसी दिन जिस दिन आपका। लेट मी टेल यू मैम, 3 महीने नहीं, 2 महीने और 3 हफ्ते। नॉट बैड, नाइस वॉच। थैंक यू। डोंट वरी, है वक्त बहुत जल्दी निकल जाएगा। वक्त की बात नहीं करें भाईजान तो अच्छा है, सीरियसली। क्यों? अब्बू की वजह से। पता नहीं, जब से हॉस्पिटल से आए हैं तब से अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, कहते हैं ज्यादा वक्त है नहीं उनके पास, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, फलाना ढिमकाना, सब पता नहीं ऐसी बातें कर रहे हैं। बातों का मतलब समझने का कोई इंटरेस्ट नहीं मेरा। हाँ पर मतलब ऐसी बातें अगर कोई 80 साल का बुजुर्ग करे तब समझ में आता है भाईजान, ये करे जोया करे तब समझ में आता है, अब्बू हमारे इतने यंग और डैशिंग से। ऑन अ सीरियस नोट भाईजान, वैसे आमतौर पे मैं ऐसी चीजों में गौर नहीं करता घर पे, लेकिन इस बार मसला थोड़ा सा काफी संजीदा लगता है। एक्सक्यूज मी, सुन लीजिए ना मिस्टर खान, क्या कह रहे थे रयान? आप
आज सुबह अबू नुसरत और मुझसे कह रहे थे कि हम सबकी जिंदगियों में एक बहुत बड़ी तब्दीली होने वाली है। और चाहे कुछ भी हो, वो तब्दीली होकर ही रहेगी। एक बहुत बड़ा फैसला लेना है उन्हें, फिर चाहे वो उनकी जिंदगी का आखिरी फैसला क्यों ना हो। तो कुछ भी होगा, वो हम सबकी जिंदगियों पे बहुत बहुत गहरा असर करेगा। पता नहीं यही सब कह रहे थे और मुझे उनकी बातें नहीं समझ में आ रही थी। डॉक्टर कहता है कि अटैक के बाद उनका दिल कमजोर हो गया है, लेकिन उनकी बातें सुन के ऐसा लगता है नहीं, इतने पक्के और मजबूत इरादे लग रहे हैं उनके। पता नहीं क्या करने वाले हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ तो बहुत बड़ा करने वाले हैं। गाना कंटिन्यू करता है, चलिए गिटार उठाइए। एक्सक्यूज मी, ठीक तो हो ना? ये खुद से क्या बातें कर रही हो? जी कुछ नहीं। तुम भी उस बेहुदा मजाक की वजह से परेशान हो? परेशान तो हम भी हैं रजिया। कोई ऐसा घटिया मजाक क्यों करेगा? फ्रिज में लाश डालकर तुम्हें भेजने का मतलब क्या है? जी पता नहीं। कहीं तुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना रजिया? अभी नहीं, क्या बताऊं जब मुझे खुद ही पता नहीं कि क्या। अभी तो खामोश रहना ही बेहतर है। जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो खुद ही उस बेहुदा मजाक की वजह से बहुत परेशान हूं। रजिया, जोया और अयान के मसले के बाद शहर में हमारी इज्जत नहीं रह गई है, शायद इसी की वजह से सब कुछ। आप इस तरह की बातें क्यों सोच रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, आपकी इज्जत आज भी उतनी ही है। मैं तो कहती हूं कि आपको इस तरह की बातों पर गौर ही नहीं करना चाहिए। शायद तुम ठीक कह रहे हो। बीवी जी, आपके लिए फोन। कौन है? पता नहीं, बस आपके बारे में पूछ रहा है। हेलो। तो फ्रिज में रखा हुआ तोहफा पसंद आया? सुनो, तुम चाहे जो भी हो, मुझे फोन करना बंद करो। मुझे रोकना नामुमकिन है रजिया, चाहे तुम मेरा फोन उठाओ ना उठाओ, मैं तुम्हारी बर्बादी हूँ रजिया, तुम्हारी बर्बादी।
के लिए फोन बंद करो और खबरदार मुझे फिर से फोन मत करना। या अल्लाह, मैंने तो गौर ही नहीं किया था, ये तो हमारे घर का नंबर है। इसका मतलब है कि दुश्मन घर में ही है। जवाब भी मिलेगा इतनी जल्दी क्या है? तुम हो कौन? हाँ, खुदा के लिए मुझे बताओ, आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? मुझे तुमसे चाहिए क्या, लंबी दास्तान है, लेकिन तुम्हें सुनने को जरूर मिलेगी। खत्म होने से पहले तुम ये दास्तान जरूर सुनोगी रजिया। इंतजार क्यों करना है? तुम दास्तां भी सुनाओ ना। नहीं रजिया, हर चीज का एक वक्त होता है। ये क्या बदतमीजी है रजिया भी? बदतमीजी? बदतमीजी तो तुम कर रही हो, मेरे घर के फोन से मुझे धमका रही हो। मैं नहीं, मैं जमीला अभी सिद्दकी साहब के घर पर ही हो ना? यहां पर कोई तो है जो मुझे फोन कर रहा है। सिद्दीकी साहब, ये हो क्या रहा है? क्या हम अपनी बेइज्जती कराने यहां आए हैं? रजिया, ये सब कमेटी से आई है, कुछ जरूरी काम से। हाँ, हमारे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, इसीलिए हमने लैंडलाइन से अपनी अम्मी को फोन कर लिया। रजिया, तुम किस फोन की बात कर रही हो और ये सब हो क्या रहा है? जी, माफ कीजिएगा। आप लोग तशरीफ रखें। हेलो। कितना भी ढूंढो, ढूंढ नहीं पाओगी। मैं जा रही हूं। जी, अर्ज किया है। इशार, क्यों पूरे चांद की रात अंधेरी आसमान चकराया है? क्यों पूरे चांद की रात अंधेरी आसमान चकराया है? उसे खबर क्या मेरे खातिर आज चांद जमीन पे आया है। वाह 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 कतरीना, वाह। आई मीन, तुम कितनी सुंदर हो, माशाल्लाह, कितनी कितनी खूबसूरत है तुम। जरा इनकी आंखें तो देखो, इसके इसके बाल देखो, इसके होंठ तो मेरा तुम अब तक यही हो। मुझे लगा तुम कहीं जा रही थी ना। जा रही हूं मैं,
एंड आई एम सो सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया. आप अपने इंपॉर्टेंट काम में बिजी है. प्लीज कैरी ऑन. बाय नुसरत. अल्लाह. भाईजान, भाईजान आप क्यों उनको तंग कर रहे हैं? आपको पता है ना कि वो कितनी मुश्किल हालातों से गुजर रही है. आपको तो सब कुछ ठीक करना चाहिए ना. और आप है कि डियर नुसरत, जब अल्लाह ताला अकल बांट रहे थे ना, अगर तब तुम बिल्कुल ऐसी ऑमलेट नहीं ठूस रही होती ना, तो समझ में आता जो मैं कर रहा हूं बिल्कुल सही था. मेरा है और हुमैरा और मेरा रिश्ता जहां था, मैं इस रिश्ते को वहीं ले जा रहा हूं. और हम दोनों ये चीज जानते हैं कि हम दोनों वक्त आने पे एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी. देखो तुम्हें एक बात बताता हूं मैं. हर रिश्ते की एक तासीर होती है, एक लैंग्वेज होती है, एक ग्रामर होता है. मेरा और मैं, हम दोनों सिर्फ ऊपर ऊपर से ऐसे लड़ते रहते हैं. ये नोक झोंक, लड़ना, रूठना, मनाना, यही सारी चीज हमारा प्यार है, हमारा रिश्ता है. समझी?